हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम्स आ गए हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस बार मैंने सोचा कि मैं भी आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प करूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सर और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैं हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लूंगा और आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं और अपने एग्जाम्स अच्छे से कर पाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का यूनिट वन जो कि है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने साइड में लिख रखे हैं, इन सब को मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट डिस्कस करने से पहले बात करते हैं थोड़ी सी सॉलिड स्टेट की। तो इन जनरल जानने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड स्टेट से हमारा क्या कनेक्शन है, कैसे सॉलिड हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं और हमें इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड्स होते क्या हैं, तो अगर आप किसी से भी पूछोगे कि भाई सॉलिड्स क्या होते हैं, तो एक ले पर्सन भी होगा ना, वो भी आपको बता देगा कि सॉलिड इज समथिंग विच हैज अ फिक्स शेप। और बिल्कुल सही बात है कि सॉलिड्स की जो है शेप फिक्स होती है। थोड़ा सा उसको साइंटिफिकली बोले तो हम क्या बोल सकते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में, कि फर्स्ट आ गया फिक्स हैज अ फिक्स शेप, इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम, और बोल सकते हैं कि द बॉन्ड्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी शॉर्ट एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट इज़ वाई सॉलिड का कभी भी इतना ईजिली शेप चेंज नहीं होता है। तो ये तो खैर जनरल बात थी सॉलिड्स के बारे में, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की बात कर रहे थे। अब एक और मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका हमारे डे टू डे लाइफ से कैसे कनेक्शन है। तो दोस्तों, ऐसे सोचो कि मैंने आपको बोला कि भाई आपको एक काम करना है, आपको कुछ एक मैग्नेटिक मटेरियल मेरे को बना के देना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐसे सॉलिड सर्च करोगे जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हो, या फिर मैंने आपको बोला कि चलो एक काम करो आप एक सुपर कंडक्टर बना दो, तो आप लोग क्या करोगे, आप ऐसे सॉलिड चूज करोगे जिनका कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों, ये सब हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, टेम्परेचर उसका, उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, कोई किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है, कौन कितना टफ है, कौन कितना मैलिएबल है, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी सॉलिड स्टेट से। तो दोस्तों, आज हम इसी यूनिट सॉलिड स्टेट को कवर करेंगे। सॉलिड स्टेट में आपके एग्जाम में टोटल 4 मार्क्स का आने वाला है। एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का। तो सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आएंगे इसमें से टोटल, तो एक बार इन सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं हम दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं पहले सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स की। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता गया कि इसका शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या हम जो अपने डे टू डे लाइफ में सारी चीज़ें देखते हैं जो हमें लगता है कि भाई ये तो सॉलिड है, बट क्या वो सच में सॉलिड है। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ कि हम बात करते हैं अपने विंडो ग्लासेस की या विंडो पेंस की बात करते हैं, तो क्या ग्लास सारे सॉलिड्स लगते हैं देखने में कि भाई उनका शेप फिक्स है और वॉल्यूम वगैरह सब कुछ फिक्स है, बट क्या सच में ग्लास एक सॉलिड है? और उसका आंसर है नहीं। तो दोस्तों, साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया कि कन्फ्यूजन ना हो कि सॉलिड्स और सॉलिड्स के जैसे दिखने वाली चीज़ों में, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सॉलिड्स को दोस्तों डिवाइड कर दिया। सॉलिड्स को कैसे कैसे उन्होंने डिवाइड किया, सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो सॉलिड्स, तो सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरा किस में डिवाइड किया, एमॉर्फस सॉलिड्स में, एमॉर्फस। मैं इन दोनों को आपको बता देता हूँ दोनों के प्रॉपर्टीज क्या क्या, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर वो सॉलिड बनाए, वो एक ऑर्डर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोस्तों बात करें NaCl की, तो NaCl क्या है, हमारा एक सॉलिड है, और उसमें क्या होगा, जैसे सोडियम होगा फिर क्लोरीन होगा, सोडियम होगा फिर क्लोरीन होगा, तो क्या होगा, जितने सोडियम होंगे उतने क्लोरीन होंगे, और वो हमेशा एक ऑल्टरनेट ऑर्डर में होंगे, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, दैट वे। तो वो क्या हुआ, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमें मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में दोस्तों क्या होता है कि एमॉर्फस का मतलब ही क्या है, एमॉर्फस में ए का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से बना है, ए का मतलब होता है नो, मॉर्फस मीन्स फॉर्म, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म या शेप फिक्स ही ना हो। तो एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा कि जो मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इनमें वो ऑर्डर नहीं होगा, या फिर होगा तो बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारा क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसमें हमारा कैसे होगा, इसमें होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये तो बात हो गई इसकी। दूसरा दोस्तों में क्या होता है कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कभी कट करेंगे तो क्या होगा, उसके जो एजेस मिलेंगे या जो कट करने के बाद जो फेस मिलेगा हमें, वो एक स्मूथ फेस मिलेगा या स्मूथ एजेस मिलेगी, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में कभी ऐसा नहीं होगा। आप उसको रैंडमली कट करेंगे तो आपको क्या होता है, कुछ ऐसा अनइवन सरफेस मिलेगी। तो ये तो पहली बात हो गई हमारी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट। इन लोगों का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो शार्प होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो जल्दी से सारे मेल्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेल्टिंग जो है होती है बहुत ही ग्रेजुअल मेल्टिंग होती है, मतलब धीरे धीरे मेल्टिंग होती है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे होता है, एक रेंज में होता है।
क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज है कि इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में ही वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये होगा एक हमारे शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरा तीसरी बात क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अक्सर लोग कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे वो होते हैं एन आइसोट्रोपिक और जो हमारे एमॉर्फस होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक। अब आप लोग बोलोगे ये एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक है, तभी मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो दोस्तों, एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि अगर हम अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेते हैं, जब भी मैंने बताया कि इनमें क्या है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो हम क्या करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मेरा ए बी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो यहाँ पे ये क्या है ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, सदा से आ रहा है, तो ये क्या है देखो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब दोस्तों मैं क्या करूँ, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को लूँ मैं और इसके अक्रॉस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें मेजर करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस एक्सिस के अराउंड, तो मेरे को क्या मिलेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे मिलेगा, ए बी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर मैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स करता हूँ तो क्या होगा, उसमें सिर्फ सिर्फ ए काउंट होगा, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। सिमिलरली अगर हम डायगनल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी अगर आप एंगल से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करोगे तो हर बार वो अलग आएंगे, तो दैट इज वाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे एनआइसोट्रोपिक है। और अमॉर्फस सॉलिड्स में जैसे मैंने बताया इनकी तो कुछ है ही नहीं, इनके पास में एक लॉन्ग रेंज कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी एक्सिस के थ्रू किसी भी एंगल के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो वो मोर और लेस सेम ही रहेगी, इसलिए दे आर आइसोट्रोपिक। अब सबको मैं एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों, इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, वो है हमारा ग्लास, और ग्लास होने की वजह से इन लोगों को हम क्या बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर दोस्तों और क्या बोला जाता है इनको स्यूडो सॉलिड्स, मतलब कि झूठे सॉलिड्स, ये बिल्कुल सच्चे सॉलिड्स नहीं है, बहुत ही झूठ बोला है इन्होंने, तो ये हो गए झूठे सॉलिड्स। और ये क्या है, ये अपने ट्रू सॉलिड्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इनका एग्जांपल तो बहुत बहुत सारे हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल तो है हमारा जो हम लोग सॉल्ट रोज खाते हैं NaCl, या फिर और एग्जांपल बोल देते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो क्वार्ट्ज। तो ये हो गए हमारे दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो आगे से अब हमें क्या पता चला यहाँ पे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है हमारे वही ट्रू सॉलिड्स है, तो आगे से हम लोग इस टॉपिक में जितनी भी बात करेंगे सबकी सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रिलेशन में ही लेके करेंगे। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे। तो पहले हमने ये समझ लिया कि हमने सॉलिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। उसमें से क्या हुआ कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड्स हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन सॉलिड्स को भी उन्होंने क्या किया और फर्दर डिवाइड कर दिया। अब उन्होंने और फर्दर कैसे डिवाइड किया दोस्तों, उन्होंने डिवाइड किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, मतलब कि जो टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं, उन्हीं बॉन्ड्स के बेसिस पर उन्होंने क्या किया उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला उन्होंने क्या बोला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा राउंड क्या बनाया आयनिक सॉलिड्स, तीसरा क्या बनाया मेटालिक सॉलिड्स, और चौथा क्या बनाया नेटवर्क या फिर कोवरेंट सॉलिड्स। मैं लिख देता हूँ नेटवर्क ऑब्लिक कोवरेंट सॉलिड्स। ओके तो हम तीनों की बात कर रहे थे दोस्तों, आपको जैसे नाम से दिखा होगा कि इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें आपका मेटेलिक बॉन्ड है, इसमें कोवरेंट बॉन्ड है, और इसमें क्या मॉलिक्यूल्स है। तो इसका बेसिकली क्या है कि बॉन्डिंग के बेसिस पे इन्होंने हमने इसको सब अलग अलग डिफरेंशिएट किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं कि एक ऐसे सॉलिड जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एक मॉलिक्यूल हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मैं बोलता हूँ कि आप वो देखो सॉलिड हाइड्रोजन, तो सॉलिड हाइड्रोजन में क्या होगा H2 को इन्होंने क्या कर दिया सॉलिड बना दिया। अब वहाँ पे क्या होगा जब भी आप कभी उसको एनालाइज करोगे तो वहाँ पे H2 होगा, कभी सिंगल हाइड्रोजन के बेसिस पे वो सॉलिड नहीं बनेगा। तो उसको भी क्या किया उन्होंने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का को और फर्दर डिवाइड किया, किस किस में दिया डिवाइड किया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो तीन पार्ट हो गए देखो इसका, पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन का एग्जांपल देता हूँ। पोलर का मतलब दोस्तों देखो एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे क्या है कि तो उसके एलिमेंट्स हैं उसमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो वो मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है। बहुत अच्छा है हमारे पास एग्जांपल क्या है HCl। तो दोस्तों HCl पे क्या होगा Cl पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड बन गए पोलर बॉन्ड। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जांपल HCl। HCl हो गया इसका एग्जांपल एक अमोनिया भी होता है NH3, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है तो उसकी वजह से भी ये पोलर हो जाता है। नॉन पोलर दोस्तों बहुत ही सिंपल है H2 ले लो,
Cl2 ले लो, तो यहाँ पे क्या है देखो, सेम ही एलिमेंट्स है, जब सेम एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो दोनों के बीच में जीरो रहेगा, विच मीन्स उन पे कभी कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो वो सारे के सारे हो जाएंगे हमारे नॉन पोलर। तो ये दोस्तों ये पोलर होगा, ये नॉन पोलर होगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन आ गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या, वाटर। तो जो सॉलिड वाटर है मतलब स्नो है या आइस है, वो किसमें आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। ओके, अब आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं दोस्तों, सबको पता है आयनिक सॉलिड्स में कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में NaCl, बहुत सिंपल है। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होगा दोस्तों, सारे मेटल्स आ गए हमारे, आयरन ले लो आपका, कॉपर ले लो, निकल ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, सब मेटालिक सॉलिड्स में आ गए, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन हो गया आपका, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंड सो एंड सो फोर्थ। अब दोस्तों उसमें होता है क्या, मेटालिक बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, कि हमें ये पता है सारे के सारे मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में देखते हैं कि या फिर डबल पॉजिटिव या फिर ट्रिपल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव या सोडियम सिंगल पॉजिटिव। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो तो फ्री हो गए, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में लग गए वो इलेक्ट्रॉन, बाकी के क्या बचे, जितने भी आयंस बचे वो सब पास में आके बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, उनका जो बॉन्ड बोला वो क्या कहता है, मेटालिक बॉन्ड। तो आपको और ये डिटेल पढ़नी है तो ये 11th क्लास में बहुत अच्छा एक चैप्टर है, चैप्टर 4 बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें आपको और अच्छे से मिल जाएगा ये। तो फिलहाल के लिए हम इतना बता देते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड बनता है और सारे के सारे मेटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल जब भी कभी बनता है, अगर किसी बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल का सॉलिड बनना है तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड। और बेसिकली इसमें सब कौन से आएंगे, इसमें आएंगे नॉन मेटल्स आएंगे, ठीक है, जैसे मेटालिक सॉलिड में मेटल्स आ रहे, इसमें जो जितने भी नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स होंगे वही नेटवर्क सॉलिड्स को फॉर्म करेंगे। उसका बहुत ही अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है डायमंड। तो देखो दोस्तों डायमंड क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ही है बस, उसमें और कुछ नहीं है, और उसमें क्या है तुम्हारा, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बीच में से कार्बन क्या है वो है नॉन मेटेलिक कंपाउंड, और उसमें क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, और बहुत ही लॉन्ग रेंज का है ये कंपाउंड, तो हो गया हमारा नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड्स। और इसका डायमंड एग्जांपल आ गया, इसका एग्जांपल ग्रेफाइट होता है। दोस्तों ये हमने चारों प्रॉपर्टीज देख ली, चारों टाइप्स ऑफ देख लिए। अब सबका मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, अब सबकी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो दोस्तों जितने भी मॉलिक्यूलर ये है तो ये क्या करेंगे, बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, ये कैसे करेंगे, ये आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकिटी कंडक्टिविटी शो करेंगे एक्वस फॉर्म में। अगर हम सॉलिड NaCl ले लें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ मोल्टन फॉर्म में, या फिर हम बोले एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म टू बी करेक्ट, एक्वस फॉर्म में अगर हम लें तो सोडियम हमारा NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सारे के सारे नहीं तो पता ही है, बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जितने भी कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड होंगे ये मोस्टली दोस्तों क्या होंगे, इंसुलेटर की जैसे बिहेव करेंगे। सिर्फ ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है हमारा, ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ते हैं तो कोई भी अगर हम नेटवर्क या मॉलिक्यूलर सॉलिड उठाएं तो वो एज इट इज दोस्तों क्या करेगा, सिर्फ कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसुलेटर की जैसे बिहेव करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कवर कर लिया, हमने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कवर कर लिया। अब हमारी बात आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कवर करने के बाद क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की। तो दोस्तों क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल पे जाने से पहले थोड़ा एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टल्स आखिर होते क्या हैं। तो क्या है क्रिस्टल, से अगर आप थोड़ा देखोगे कि उसको मैं इजी वे में आपको समझाऊं, तो क्रिस्टल क्या है कि कभी भी कोई सॉलिड अगर फॉर्म हो रहा है एक लिक्विड से, तो सॉलिड्स को जब भी कभी फॉर्म होंगे लिक्विड से, या बस सिंपली ऐसे समझो कि आप वाटर को कूल कर रहे हो, तो क्या होगा, वाटर अपना लिक्विड होगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, राइट। तो सॉलिड से जब लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो नेचुरली जिस शेप का सॉलिड बनेगा वो हम क्रिस्टल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग रोज घर में शुगर खाते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, सबने देखे शुगर की क्रिस्टल्स या सबने NaCl के क्रिस्टल्स देखे छोटे छोटे जो हमारे घर पे आते हैं, तो वो क्या है, वो खुद से बनी हुई शेप है, वो उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। जब कभी शुगर सिरप से शुगर बना रहे होते हैं, जब उसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो उस फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो है हमारे सारे के सारे क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो अगर दोस्तों आप किसी भी क्रिस्टल को लो और उसके ऊपर एक्सरेज बम्बार्ड करो, तो एक्सरेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के जैसे पास से निकलेंगे तो रिपल्शन होगा, वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो डिफ्रैक्ट होने के बाद क्या करते हैं, उस पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा और प्रोसेस कर लें तो हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखाई देंगे, कुछ इस तरह के हमें डिफ्रैक्शन पॉइंट्स दिखाई देंगे स्पेस में। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो डिफ्रैक्शन पॉइंट हमें स्पेस में दिखाई दे रहे हैं ये क्रिस्टल लैटिस कहलाते हैं। और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, जैसे कि मैंने इसको अभी तो ऐसे रैंडम पॉइंट लग रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा और ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों, एक ही शेप की जैसे बना लेगा ऐसे। फॉर एग्जाम्पल तो ये एक आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल की जैसा देखने में लग रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये एक यूनिट सेल हो गई, और वो जो उसकी सारे सारे पॉइंट्स थे वो क्या हुआ, वो हुए क्रिस्टल लैटिस।
अब एक बार फिर से बात करते हैं यूनिट सेल, जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, तो यूनिट सेल से मेरे कहने का क्या मतलब है? तो यूनिट सेल कहने का दोस्तों मेरा मतलब ये, अगर आप जिस रूम में बैठे हो उसके वॉल को एज अ क्रिस्टल एज्यूम करो, अगर समझो कि इसका जो रूम का वॉल है वो क्रिस्टल है, तो वो किससे मिलके बना है? वो ब्रिक से बेसिकली मिलके बना है, राइट? तो उसकी जो ब्रिक्स हुई वो हमारी हुई यूनिट सेल। तो वैसे क्रिस्टल्स का जो एलिमेंट्री यूनिट है जिससे मिलके क्रिस्टल बना है, या फिर याद करो मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या बताया था कि रिपीटिंग ऑर्डर होता है। तो क्रिस्टल्स में क्या होता है कि जो आपका जिस चीज का रिपीटिंग ऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। तो अब हमारे पास में कितने यूनिट सेल है दोस्तों? 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है। तो हमारे पास टोटल 7 यूनिट सेल्स हैं। और क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो हमारे पास में 14 क्रिस्टल लैटिसेस हैं आज के टाइम पे। तो 14 है जिन 14 क्रिस्टल लैटिसेस, और इनको दूसरे नाम से और जाना जाता है दोस्तों, वो बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिसेस। तो ये हुए ब्रेवियस लैटिसेस या फिर क्रिस्टल लैटिस। तो टोटल हमारे पास यूनिट सेल कितने हैं दोस्तों? यूनिट सेल हैं 7, और टोटल क्रिस्टलाइन लैटिसेस कितने हैं हमारे पास में? 14। तो पहले मैं सारी सारी आपको यूनिट सेल्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास टोटल जो 7 यूनिट सेल्स हैं वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे उनको हम लोग मेजर करते हैं। तो पहले एक मैं बहुत ही सिंपल सा क्रिस्टल सिंपल सा यूनिट सेल बना लेता हूँ दोस्तों, जो कि है क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल बहुत ही सिंपल है, सबने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, या जिस रूम में आप बैठे हो थोड़ी देर को उसी को अगर आप क्यूबिकल एज्यूम कर लो तो वो एक क्यूबिक यूनिट सेल की जैसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं अभी बताता हूँ आपको एक मिनट में। तो पहले इसको ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों ये बन गया मेरा एक क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, आप देखो जिस रूम में आप बैठे हो अगर आप उसी को ध्यान से देखोगे तो उसमें तीन चीजें होंगी। एक तो कोई तो उसकी लेंथ होगी, राइट, कुछ उसकी ब्रेथ होगी और कुछ उस रूम की हाइट होगी। तो बेसिकली ये मैंने तीनों एक्सेस बना दी। तो ये जो होगा ये आपकी मतलब लेंथ होगी, तो उसको मैंने ए बोल दिया। ये अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ये वाली ब्रेथ है तो मैंने इसको बी बोल दिया, ये हाइट है तो मैंने इसको सी बोल दिया, ओके। और ये क्या होगी, ये आपकी बेसिकली एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी और ये होगी आपकी जेड एक्सिस। उसके अलावा क्या होंगे, इसमें तीन एंगल होंगे। एक ये एंगल कहलाएगा दोस्तों हमारा अल्फा, ये एंगल कहलाएगा बीटा, और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे गामा। तो जब भी हम कभी क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करेंगे तो हम क्या लेंगे, उसकी एज लेंथ लेंगे जो कि होगी हमारी ए बी और सी, ए बी और सी। तो हम एज लेंथ लेंगे और ये तीन एंगल्स लेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो दोस्तों जब भी हम कभी क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो क्या होगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है क्यूब में, और जो एंगल्स होते हैं वो भी हमें पता है कितने होते हैं, वो होते हैं 90 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। तो ये तो हमने एक यूनिट सेल कवर कर लिया, जबकि टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 यूनिट सेल्स हैं। तो मैं सारी यूनिट सेल्स को आपको बता देता हूँ उनके नाम और उनके ये ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा, ये एंगल्स कैसे कैसे होते हैं, किसी में डिफरेंस होता है तो कितना होता है वो सब। तो दोस्तों पहला की जबकि मैंने क्या बताया, क्यूबिक क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। दूसरा हमारे पास आया टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। इसमें दोस्तों क्या होगा कि ए इक्वल टू बी तो होगा बट वो सी के इक्वल नहीं होंगे, बट एंगल क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे बिल्कुल लिख लेते हैं 90 डिग्री। तो ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक में दोस्तों क्या होगा कि ये कोई भी पैरामीटर एक एज लेंथ बिल्कुल भी बराबर नहीं होगी, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल अगेन ऑल थ्री एंगल्स विल बी इक्वल, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आया हमारे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में दोस्तों क्या होगा कि ए इक्वल टू बी तो होगा बट नॉट इक्वल टू सी रहेगा इसमें, और यहाँ पे क्या होगा एंगल की अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और जो हमारा गामा होगा वो होगा 120 डिग्री का, ओके। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल। फिर आया हमारा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। दोस्तों रोम्बोहेड्रल में क्या होगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ही रहेगा, बट एंगल क्या होगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा, बट दे विल नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिकली दोस्तों ये है क्या, और रोम्बोहेड्रल क्या, बेसिकली आप समझो कि क्यूबिक यूनिट सेल है उसी को थोड़ा सा हमने डिफॉर्म कर दिया, तो थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसका जो 90 डिग्री एंगल था वो चेंज कर दिया। तो हमारे लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम ही रही बट एंगल अभी भी बराबर है, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हो गया हमारा रोम्बोहेड्रल। अब इसके दो और बचे, एक है हमारा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, और दूसरा है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में क्या होगा दोस्तों, ये कोई भी पैरामीटर किसी के भी इक्वल नहीं होंगे, इसमें भी कोई भी किसी के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि
अल्फा इक्वल टू गामा होगा इक्वल टू 90 डिग्री, और जो बीटा होगा वो 120 के इक्वल नहीं होगा। और इसमें क्या होगा दोस्तों, कोई भी एंगल किसी के भी बराबर नहीं होगा। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो दोस्तों अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सारे के सारे यूनिट सेल यहाँ पे आ गए। जैसे मैंने बताया था 7 यूनिट सेल्स होते हैं, तो 7 के 7 यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो यूनिट सेल होगा, लेकिन हमने ब्रेविस लेटेस्ट तो हमने बताया था 14 होते हैं, तो कैसे वो कैसे पॉसिबल है? वैसे पॉसिबल है दोस्तों, जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिसका हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये तीनों क्या है, मैं अभी 1 मिनट में आगे बताता हूँ। तो बेसिकली क्यूबिक यूनिट सेल क्या कर लेगा, आपका 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। टेट्रागोनल 2 में करेगा, ऑर्थोरम्बिक 4 में करेगा, हेक्सागोनल 1 में करेगा, ये 1 में करेगा, ये 2 में करेगा फॉर्म में आएगा, और ये 1 फॉर्म में आएगा। आप सबको काउंट कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 कितना हुआ 13 और 1 14। तो हो गए टोटल 14 ब्रेविस लेटर्स जो मैंने बताए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने याद कैसे कर लिया, तो मैंने कुछ याद नहीं किया है यहाँ पे। मैंने क्या किया है, देखो एक बहुत ही सिंपल सा है, अपने याद करने के लिए कुछ फॉर्मूला बना लिया है। क्यूबिक है तो सी लिख दिया, फिर टेट्रागोनल ऑर्थोरम्बिक है तो लिख दिया 2, हेक्सागोनल को एच ही लिख दिया, और रोम्बोहेड्रल को आर लिख दिया। तो सी टू हर याद कर लिया मैंने, C2 हर। और ये समझ लो दो डॉक्टर है, एक क्लिनिक पे बैठता है तो वो मोनो क्लिनिक वाला डॉक्टर है, एक 3 क्लिनिक पे भागता है तो वो ट्राई क्लिनिक है। ऐसे करके याद रख लो। और दूसरा मैंने देखो यहाँ पे चालाकी क्या की है कि क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरम्बिक तीनों में देखो एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं है, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या है कि ये इक्वल है, फिर एक पार्ट इक्वल नहीं है, फिर दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, फिर से क्या हुआ इसका बेसिकली रिपीटेशन आ गया यहाँ पे कि इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो बेसिकली मैंने वो रिपीट कर दिया। उसका देखो फिर रोम्बोहेड्रल में क्या हुआ, ये फिर से फर्स्ट वाला रिपीट कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज किए, और मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, तो वो ऐसे करके रख दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे आप इसको याद रख सकते हो। एग्जाम में शायद कोई नहीं पूछेगा, बट कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा पूछ लेते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, हमने किस तरह लेटेस पढ़ लिया, और हमने सारे यूनिट सेल कवर कर लिए। अब तो हम इस पर टिक लगाते हैं ये और ये। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड पैकिंग एफिशिएंसी की। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग से क्या मतलब है, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें यूनिट सेल्स होते हैं। यूनिट सेल्स बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं, वो बने होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के या फिर एटम्स के। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया था कि क्यूबिक यूनिट सेल 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो मैं तीनों की बात करूंगा, पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं अभी जल्दी से। ये दोस्तों ये बन गया कि हमारा सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक में होता क्या है कि अगर हम अपने रूम को ही देखें तो हमारे पास कितने 8 एजेस होंगे आपके, 8 या फिर ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जितने एजेस पे हैं, तो वो टोटल 8 होंगे। देखो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अपने आप रूम को भी देखो, रूम के कितने कॉर्नर्स हैं, बेसिकली 8 कॉर्नर्स। अब क्या होगा कि जो ईच कॉर्नर है दोस्तों, ये क्या है, ये हमने बताया था कि क्रिस्टल लैटिसेस हैं ये सारे, और ये बेसिकली क्रिस्टल लैटिसेस मतलब क्या है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या होगा, एक सिंपल यूनिट सेल में एक यहाँ पे एटम प्रेजेंट होगा, ऐसे एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो बेसिकली हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एटम प्रेजेंट होगा, या फिर अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको कि 1 2 3 4 अगर एटम एक साथ है, तो अगर इनके सेंटर को हम ज्वाइन कर दें तो बेसिकली ऐसे एक फेज बन गया। ऐसे इसके कुछ 200 मान लेते हैं पीछे भी एटम्स है, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका एक ये पर्टिकुलर ये वाला सिंपल क्यूबिक का एक शेप बन गया। अब सिंपल क्यूबिक तो दोस्तों आ गया। अब हम इसमें बात करते हैं कि सिंपल क्यूबिक में अगर हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया तो उसमें कितने एटम्स या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, तो वो कैसे पता लगेगा दोस्तों, वो पता लगेगा वो किस टाइप का यूनिट सेल है उससे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि ये है हमारा सिंपल यूनिट, तो इसमें सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि जितने भी एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे वो सारे के सारे इन पे करेंगे, जो कि हमारे कॉर्नर्स है इसके, वो रहे ये। ओके, अब दोस्तों होता क्या है कि देखो अगर आप एज्यूम करो कि अगर आपके पास में एक स्फीयर है या जैसे एक कोई बॉल है, उसको आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास में ब्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि आपने क्या करा, एक बॉल को 4 ब्रिक्स के बीच में ऐसे रख दिया, तो बेसिकली क्या होगा कि वो बॉल हाफ कवर हो जाएगी उसका, जैसे 50% एरिया 4 ब्रिक्स से कवर होगा, उसके आपने क्या किया 4 ब्रिक्स उसके ऊपर और रख दी, तो क्या हुआ वो बॉल जो बीच में रखी थी वो पूरी की पूरी ढक गई उन सारे ब्रिक्स से। तो अगर हम हर ब्रिक को एक यूनिट सेल माने, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो एक बॉल थी वो 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड हो गई। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे एक कोई भी एटम आ रहा है तो वो टोटल एटम का कितना आ रहा होगा दोस्तों, वो आ रहा होगा 1/8, कितना 1/8। तो हमारे पास में हम टोटल नंबर ऑफ अगर एटम्स निकाले तो एक कॉर्नर पे कितना आ रहा है 1/8, और टोटल हमारे पास दोस्तों ऐसे कितने पॉइंट्स हैं 8। तो विच मीन्स एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सिंपल क्यूबिक, ओके,
तो सिंपल क्यूबिक दोस्तों यूनिट सेल में क्या होगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक यूनिट सेल में कितना होगा, वन। अब इसकी हम बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग एफिशिएंसी का दोस्तों मतलब क्या होगा, एफिशिएंसी का मतलब होगा आपका वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो दोस्तों अगर हम ये करें तो हमारे यहाँ से निकल आएगी पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम बात आती है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स कैसे निकालें, तो हमें पता है एटम्स कैसे स्फेरिकल है और स्फेयर का हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है 1/3 πr³। तो ठीक है, अब आर कैसे निकालें दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप मान के चलो कि यहाँ पे दो एटम्स है ऐसे 1/8 1/8 और टोटल ये सिंपल क्यूबिक है, तो यहाँ से की डिस्टेंस कितना होगी दोस्तों, होगी हमारी a, और ये एक स्फीयर है तो इसका ये r रेडियस हो गई, ऐसे इसका भी ये r रेडियस हो गई। तो बेसिकली जो हमारा रेडियस हुआ या फिर हमारा a हुआ वो इक्वल टू हुआ 2r। तो फिर रेडियस सिंपली कितना हो गया आपका a/2। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 4/3 πr³ / a³ × 100। और यहाँ पे क्योंकि हमारे टोटल यूनिट सेल में कितने आइटम्स हैं, वन, तो हम वन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसकी जो दोस्तों पैकिंग है, और आर की जगह हम क्या लगा देंगे a/2, तो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो समथिंग निकल के आएगी 52.8 या 52.4 के आसपास कुछ आएगी। तो ये हो गई हमारी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया दोस्तों सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक की बात हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर जिसको BCC लिखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फिर BCC। अब दोस्तों उसका फिर से देखो, एक मैं यूनिट सेल बना देता हूं आपके सामने अभी, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, तो ये बन गया हमारा यूनिट सेल। अब देखो दोस्तों मैंने सेल से बता दिया कि सारे सारे ये हमारे कॉर्नर से, तो इस पे तो 1/8 1/8 वाले सारे हमारे एटम्स आ ही जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा, एक और एटम होगा जो उसके बिल्कुल सेंटर पे रखा होगा। तो दोस्तों ऐसे ज़ूम करो, जैसे आप रूम में बैठे हो, सारे कॉर्नर्स पे 1/8 1/8 वाले हमारे एलिमेंट्स की स्फीयर है, और एक बड़ा सा एक मतलब एक कंप्लीट स्फीयर है सेंटर में। तो अगर आप हमें इसका एफिशिएंसी निकालनी हो तो फिर से वही करेंगे कि अपना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अब हम यहाँ पे दोस्तों बात पहले कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने होंगे। तो देखो ये सारे के सारे इस पे तो 1/8 होंगे, तो 1/8 टोटल हमारे पास 8 है, तो ये हो गया, प्लस एक बीच में रखा है, तो बेसिकली हमारे पास दोस्तों 2 होंगे। तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे BCC में वो होंगे 2। तो चलो ये बात खत्म हो गई। अब हम इसकी बात कर लेते हैं रेडियस हम कैसे निकालें। तो दोस्तों ये अज्यूम करो कि आप जिस रूम में बैठे हो, तो उसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई हमारा एटम सेंटर में रखा है तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका पहले हम लोग रूम का डायगोनल निकालेंगे अपना एक एच से दूसरे एच तक। तो बेसिकली दोस्तों उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये वाला स्पेस का डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो ये ए होगा, ये ए होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा √2a। तो बेसिकली अभी होगा √2a, ये ए ही रह गया, तो फिर से पाइथागोरस लगाई तो हमारा जो ये रूम का डायगोनल या फिर एक इसका हमारा क्यूबिक क्यूब का जो डायगोनल निकल के आया बॉडी डायगोनल, वो आया √3a। और √3a दोस्तों किसके बराबर होगा, देखो कि एक ही स्फीयर है, एक ऐसे इसके कॉर्नर वाला होगा, एक यहाँ वाली कॉर्नर वाला होगा, तो इसका जो रेडियस रहेगा वो 2r हो जाएगा। जो डिस्टेंस यहाँ से आते रहेगी रेडियस आ रही होगा, यहाँ से आते डिस्टेंस 2r हो जाएगी, ये आ रहेगी और ये भी r रहेगी, बेसिकली कितना हो गया 4r। तो 3a = 4r, तो हमारा जो रेडियस हुआ वो सिंपली होगा √3/4a। तो जब हम दोस्तों इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे फिर से भाई, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 πr³ से, और r की जगह ये लगा देंगे अपॉन a³ करेंगे इनटू 100 करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी वो लगभग निकल के आएगी हमारी 68% के आसपास। सिंपल क्यूबिक में कैसे निकल गई थी, कुछ तो 52 के आसपास आई थी, इसमें आएगी 68% के आसपास। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितनी हुए 2, 1 तो हमारा आ गया सारे कॉर्नर से और एक रखा था जो बीच में, तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब दोस्तों लास्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या कभी कभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी उसको बोल देते हैं, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। तो फिर बेसिकली अभी हम यहाँ पर सिंपली फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिख लेते हैं, या फिर FCC लिख लेते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, या फिर याद इसको हमेशा आप याद रखना कि कहीं पे अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलाओ तो बेसिकली वो सेम ही बात कर रहे हैं, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी तो यही सेम बात कर रहे हैं। तो सो अब इसमें क्या होता है FCC में, फिर से मैं वही आपका एक ड्रॉ कर लेता हूँ एक यूनिट सेल, यूनिट सेल मैंने ड्रॉ कर दिया। हाँ
तो अब दोस्तों फिर से वही होगा कि जितने भी कॉर्नर्स हैं सारे के सारे, जितने भी ये पॉइंट्स हैं सब पे हमें पता है कि 1/8 ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो तो हो गई होगा। उसके अलावा हर फेस पे दोस्तों ऐसा अज्यूम करो कि आपके रूम में कितने फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं, देखो आपके 4 तो वॉल्स हो गए, एक फ्लोर हो गया और एक सीलिंग हुई, तो टोटल कितने फेस हुए 6। तो ऐसे इसके क्यूब के भी कितने फेस हैं 6। हर फेस पे क्या है, हाफ एलिमेंट या फिर हाफ एटम या फिर हाफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है, विच मीन्स इस फेस पे भी जैसे हाफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पे भी हाफ है, इधर भी हाफ है, ऐसे। तो मैं बेसिकली पहले क्या करता हूँ, आपको सिर्फ एक फेस बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये एक फेस है हमारा, कोई भी मान लो आप एक फेस है इसके, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हाफ ये प्रेजेंट होगा, ये हाफ है, और बाकी तो हमें पता ही है कि एक कॉर्नर पे ये होंगे, एक कॉर्नर पे ये होगा, और ये हमारा ए रहेगा दोस्तों क्योंकि एच लेंथ है, ये भी हमारा ए रहेगा एच लेंथ है, और ये बेसिकली ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आर हो जाएगा, ये फिर से 2R हो जाएगा और ये आर ही रहेगा। तो बेसिकली ये कितना हो गया हमारा 4R, और यहाँ अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आएगा, ये √2A, तो √2A इक्वल टू 4R, तो बेसिकली जो हमारा R हो गया वो कितना हो गया √2A/4। तो ये तो हमने इसमें रेडियस निकाल दिया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ दोस्तों एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो तो ये होंगे कि 1/8 तो हमारे सारे कॉर्नर पर ऑक्यूपाई करेगा और टोटल कॉर्नर है 8, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दी, प्लस हमारे कितने फेसेस हैं 6, और हर फेस पे दोस्तों कितना आ रहा है 1/2, तो 1/2 × 6, तो बेसिकली ये सिंपली कितना है 3, तो 1 + 3, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोस्तों इसमें आ गए 4। तो इसमें आपने देखा सबसे ज्यादा है, BCC में 2 आए थे सिंपल क्यूबिक में 1 था, और FCC में आ गए 4। अब जब हमें इसको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे 4 × 4/3 πr³, आर वही लगा देंगे जो भी हमने निकाला था √2a/4, और डिवाइड कर देंगे उसको ए क्यूब से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो उसको उसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो रफली आएगी कुछ आपकी 74% या फिर 72% के आसपास आएगी, आप इसको चेक कर देना। बेसिकली सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमारी किसकी आई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो सिर्फ दोस्तों यही था इसमें इतना सा क्यूबिक क्लोज पैकिंग और उसकी एफिशिएंसी में। तो हमारे जितने भी मोस्टली क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो आएंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक से रिलेटेड ही आएंगे या फिर बॉडी सेंटर्ड से आएंगे, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और हमारा सिंपल क्यूबिक में क्या फर्क है। तो दोस्तों ये तो ये बात हो गई। अब हमारी बात करते हैं टाइप ऑफ वॉइड्स की। तो दोस्तों वॉइड का लिटरल मतलब क्या होता है, वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, राइट। तो अब हम एम्प्टी स्पेस की बात करते हैं। अब देखो आप एज्यूम करो जैसे कि आप एटम्स कैसे होते हैं, हम स्फेरिकल मानते हैं एटम्स को, तो एक आप एज्यूम करो कि आपका एक बॉक्स है और उसमें आपको बहुत सारे जैसे टेनिस बॉल्स रखने हैं जो कि स्फीयर है, तो आपको लगता है कि आप उस बॉक्स का कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर लोगे, नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेस खाली रह जाएगा ना। सेम एक हमारे क्रिस्टल में भी होता है, क्रिस्टल भी क्या है यार, देखो अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्म में बन रहा है वो, तो जितने भी एटम्स आ रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि उसका पूरा के पूरे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। मैक्सिमम आपने देखा एफसीसी में जहाँ पे भी कितना आ रहा था, कुछ तो रफली 72% या 74% एफिशिएंसी आ रही थी, इसका मतलब अभी भी उसमें 25 या 26% स्पेस खाली है। तो जो खाली स्पेस होता है उसे को हम बोलते हैं वॉइड्स। लेकिन ये वॉइड्स होते कैसे कैसे मैं बता देता हूँ। ऐसे अज्यूम करो दोस्तों कि आप के पास ये 3 स्फीयर्स हैं या फिर 3 एटम्स हैं जो आप उसको एक किसी बॉक्स में रखने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या होगा अगर आपने बिल्कुल तीनों पास पास रख लिए, तो बेसिकली बीच में ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जगह खाली बन गई, राइट। अगर आपने क्या किया इसके ऊपर एक और बॉल को रख दिया, एक और स्फीयर को रख दिया, तो क्या होगा ये ट्राइंगल कवर तो हो गया बट बीच का स्पेस अभी भी कंप्लीटली फिल नहीं हुआ क्योंकि बीच में डिप्रेशन तो बना ही। एक आपने अगर इसके पीछे भी एक बॉल रख दी तो भी वो डिप्रेशन मेंटेन था। तो दोस्तों ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, एक ट्राइंगल उसके बाद में इस तरह का डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली कैसे बनाए, पिरामिड कैसे बन जाए, जैसे इजिप्ट में पिरामिड दिखाते हैं ना जो ऊपर ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, और ऐसे एक मानो आप वही सेम पिरामिड जो अंदर भी वैसे ही है। तो ये हमारे कहलाते हैं दोस्तों, ये हमारे कहलाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये तो होगा हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसके अलावा दोस्तों एक और वॉइड्स होते हैं हमारे जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वो कैसे बनते हैं वो भी अभी बता देता हूं मैं आपको। उसमें ये मानो कि आपने ये था, ओके ये 3 थे, बीच में ये ट्राइंगल जगह खाली बन गई, आपने क्या किया उसका 3 और कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे रख दिए कुछ इस तरह से। तो बेसिकली अभी क्या होगा, अभी ट्राइंगल ना होकर थोड़ी सी शेप और चेंज हो गई बट ये स्पेस अभी भी खाली बचा। तो यहाँ पे जो वर्ड बना उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ये दो सिर्फ पॉइंट हैं। कोई भी आपको ये चीज आप याद रखो, कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे बन रहे हैं। आपको पूछा क्या जाएगा या फिर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करता हूं, तो मैंने बताया इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हुए 4, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे 4।
जबकि टेट्राहेड्रल वर्ल्ड क्या होते हैं, ये जस्ट डबल होते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के, मतलब 2 × n होते हैं। अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड्स में कितने होंगे, 8। या फिर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो उसमें कितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स 2 हैं, तो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड्स कितने होंगे आपके, 4। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने रहेंगे, वो 2 × 2 ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके वर्ड्स के बारे में। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा सा एक उन्होंने सॉल्व एग्जांपल दे रखा है। उन्होंने क्या बोला है कि एक हमारा कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि फेस सेंटर क्यूबिक में क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, और उसमें जो बी है, बी ऑक्यूपाई कर रहा है, बी जो है वो फॉर्म कर रहा है आपका एफसीसी, जितने भी बी एलिमेंट्स है वो फॉर्म कर रहे हैं एफसीसी, एफ सी सी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक का, और जो ए है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो मैं लिख देता हूं ए ऑक्यूपाइंग 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो उन्होंने सिंपल से पूछा है कि उस जो हमारा ये सॉलिड है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, हम क्या करते थे, देखो पहली बात एफसीसी में टिक, तो एफसीसी में हमें यहाँ पे कुछ उसके भी कोई जरूरत नहीं है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, बस हमें इतना याद रखना है कि हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल के जस्ट डबल होते हैं। तो हम रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, 20:1 का अगर मैंने रेशियो ले लिया, तो अगर अज्यूम करो कि मेरा वी 1 है तो ए कितना होगा, इसका जस्ट डबल होगा, राइट, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे होते हैं, इसका जो भी होगा आपके किसी भी फॉर्म में होगा उसके जस्ट डबल होंगे। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे 2 होंगे, और ए उसका कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3, राइट। तो हमारा 20:1 का दोस्तों रेशियो कितना आ जाएगा, 20:2 का रेशियो आ जाएगा 1:4/3। जब फिर से मैं 20:1 का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा आपका, 3:4, विच मीन्स आपका B3A4। यही है आपके सॉलिड का फॉर्मूला जो कि इसमें फॉर्म हो रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में एक सॉलिड एग्जांपल है, तो आप वहां पे जाके इसको फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, वरना तो शायद नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आके हमने क्या कर लिया, हमने अपने वर्ड भी कंप्लीट कर लिए। अब हमारे आ जाते हैं ये दो टॉपिक्स जो कि इम्परफेक्शन सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। तो दोस्तों अब तक हमने टाइप ऑफ वर्ड्स तक पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं जिसमें हम बात करेंगे इम्परफेक्शन सॉलिड्स की। तो दोस्तों नेचर में क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं कुछ भी परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसकी बात सॉलिड्स की करें या क्रिस्टल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, दोस्तों कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की या फिर डिफेक्ट इन सॉलिड्स की। तो जो सॉलिड्स के डिफेक्ट है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 3 कौन कौन से वो डिफेक्ट है देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट डिफेक्ट है वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है दोस्तों वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। एंड जो एक और है वो है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 डिफेक्ट हो गए दोस्तों जो हम भी पढ़ने वाले हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फर्स्ट बात करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक जो स्टोइकियोमेट्रिक को फर्दर डिवाइड किया गया वैकेंसी डिफेक्ट में, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो दोस्तों पहले बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि आपका जो रेशियो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का वो मेंटेन रहे। जैसे कि हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना कि इतना हाइड्रोजन होना चाहिए तो दूसरी साइड पे भी उतना हाइड्रोजन होना चाहिए, वही स्टोइकियोमेट्री है। तो अगर ऐसे डिफेक्ट जो कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड को डिस्टर्ब ना करें तो वो कहलाएंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो उसमें हमारे पास 2 डिफेक्ट है, पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। अब दोस्तों वैकेंसी डिफेक्ट में बेसिकली क्या होगा कि आपका जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से हट जाएगा, अपनी जगह से अगर वो निकल गया तो वहां पर उसकी जगह खाली हो गई, तो वो वही हमारी वैकेंसी डिफेक्ट, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेगा लेकिन अपनी जगह से हट जाएगा, तो वो हुआ वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि अपनी प्लेस की जगह वो किसी बीच की साइड पे आ गया जहां पे उसको नहीं आना था। तो बेसिकली क्या हुआ, क्रिस्टल जो यूनिफॉर्म था वैसा यूनिफॉर्म तो बचा नहीं, डिफेक्ट आ गया उसमें, बट स्टोइकियोमेट्री सेम की सेम रही। तो ये दोनों है जो वैकेंसी है और इंटरस्टिशियल है, ये दोनों के दोनों कौन शो करते हैं दोस्तों, ये नॉन आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं। ओके कौन कौन से वैकेंसी ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जो हमारे आयनिक सॉलिड्स है फॉर एग्जांपल NaCl है, KCl है, AgBr है, AgCl है, वो कैसे डिफेक्ट शो करते हैं, तो उनके लिए 2 डिफेक्ट हैं दोस्तों। पहला है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट तो फ्रैंकल डिफेक्ट दोस्तों हमारे क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, फ्रैंकल डिफेक्ट में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इसका जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं वो आते हैं हमारे ZnS, AgCl, AgBr, AgI एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम इसमें क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे AgBr ही है, AgBr ही है,
तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों आपका कि जो आपका एची है जैसे वो अगर हट गया अपनी जगह से हट गया किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया तो बेसिकली क्या क्रिएट हुआ एजी की एक वैकेंसी क्रिएट हो गई अपनी साइट पे और वो दूसरी जगह चला गया तो इंटरस्टिशियल आ गया तो बेसिकली ये दोनों डिफेक्ट हो गए इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट। अब ऐसे सॉलिड्स में दोस्तों क्या होगा या फिर ऐसे डिफेक्ट के केसेस में क्या होगा कि आपकी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि एजी अगर अपनी प्लेस से हटा भी तो है तो वो सेम के सेम क्रिस्टल में राइट तो ना आपकी कोई डेंसिटी पे फर्क आया ना ही स्टोइकियोमेट्री पे। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट दूसरा शॉर्ट की डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट दोस्तों क्या होगा फॉर एग्जांपल अगर हम एनएसीएल को ले लेते तो एनएसीएल अगर एक सोडियम हटा अपने प्लेस से तो वैकेंसी क्रिएट हुई। अब क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो एक सीएल को भी हटना पड़ेगा अगर दूसरा सीएल नहीं हटता है तो हमारा स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी या जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उस आपके क्रिस्टल की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा इस केस में अगर एक भी आयन हटा तो उसके अपोजिट आयन को वहां से हटना पड़ेगा और वो हटना पड़ेगा तो दोस्तों डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हमारा डिफरेंस क्या दोनों में कि फ्रैंकल में डेंसिटी हमारी सेम थी पर शॉर्ट की में क्या हुआ डेंसिटी कम हो गई। तो ये दोनों है इसको बहुत बार पूछा जाता है तो आप इसको एक बार फिर भी और अच्छे से पढ़ लेना बुक से। अब बात करते हैं दोस्तों इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। इम्प्योरिटी डिफेक्ट बहुत ही सिंपल है फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानो जब भी कभी NaCl सॉलिड NaCl जो है मॉल्टन फॉर्म से बन रहा होगा और वहां पे कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्शियम ऐसा डबल पॉजिटिव तो वो क्या करेगा सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा खुद आगे लग जाएगा क्रिस्टल में। थर्ड आया दोस्तों हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्री। नॉन स्टोइकियोमेट्री के दो पार्ट है एक तो है आपका मेटल एक्सेस और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो पहले मेटल एक्सेस की मैं दोस्तों बात करता हूँ तो आप ज्यूम करो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हम इसको ही लेते हैं NaCl को। अगर हम NaCl को हीट करें एक सोडियम के एनवायरनमेंट में मतलब जहां पे सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे आप NaCl को हीट कर रहे हो तो क्या होगा जो सोडियम पहले से एयर में है वो NaCl का जो क्रिस्टल है उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। जब सोडियम ने उसके ऊपर आगे लेयर बना ली तो क्या होगा सोडियम होगा उस टाइम पे Na के फॉर्म में और जो क्रिस्टल है उसमें हमारा Cl भी होगा तो Cl- के फॉर्म में होगा। तो बेसिकली क्या करेगा वो Cl जो नीचे से ऊपर आएगा जहां पे Na आके डिपॉजिट हुआ है बेबी और वो सोडियम से बॉन्ड बना लेगा। जैसे सोडियम से बॉन्ड बनाएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा वहां से और वो क्या करेगा कि वहां से अब दोस्तों बेसिकली क्या हुआ हमारा इस केस में कि सोडियम आपके बढ़ गए जो क्रिस्टल में पहले नहीं थे वो और आ गए और एक जो हमारा Cl था जो कि कहीं नीचे से ऊपर आया था जो कि जैसे कहीं नीचे बाउंड था और वो सोडियम से बाइंड करने के लिए ऊपर आ गए तो यहाँ पे इसका जो है Cl की स्पेस खाली हो गई एक वैकेंसी क्रिएट हो गई और जब हमारा इससे बॉन्ड बनाने की Na किसमें कन्वर्ट हुआ था Na पॉजिटिव में तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा उस Cl की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग एफ सेंटर्स या फिर फर्बन सेंटर्स तो ये दोनों एक ही नाम है तो ये होगा एफ सेंटर। एफ सेंटर की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट कभी कभी क्रिस्टल्स पे थोड़ा थोड़ा कलर की जैसा भी दिखाई देता है तो वो सब होता है एफ सेंटर्स की वजह से। तो दोस्तों ये हमारा एक मेटल एक्सिस का एग्जांपल हुआ। दूसरा मेटल एक्सिस का एग्जांपल हुआ कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास जिंक ऑक्साइड है उसको आप हीट कर दो तो क्या होगा जिंक डबल पॉजिटिव बन जाएगा ऑक्सीजन जो है एज ए गैस इवॉल्व हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेंगे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अब इस क्रिस्टल में क्या हुआ दोस्तों अभी सर जिंक और ऑक्सीजन का नंबर बराबर था आप क्या हुआ ऑक्सीजन तोड़ के चला गया जिंक रह गया वहां पे तो ये भी क्या हुआ किसका एक्सेस हुआ मेटल का तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। तो हमने दोनों मेटल एक्सेस डिफेक्ट करते हैं मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है Fe आयरन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं। तो दोस्तों आयरन क्या होता है दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक हमारा होता है फेरिक एक होता है हमारा ये फेरस और एक होता है हमारा फेरिक ट्रिपल पॉजिटिव। ओके तो दोस्तों क्या होगा अगर ये Fe डबल पॉजिटिव होगा तो सही है ओ पे भी हमारा डबल माइनस चार्ज होता है आराम से दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा 1:1। लेकिन अगर Fe ट्रिपल पॉजिटिव आ गया इसको हटा के तो यहाँ पे ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा विच मीन्स ये अगर ये वाला जो Fe है वो दोनों फॉर्म में कुछ ना कुछ तो रहेगा तो ये जो है ये कभी भी 1 नहीं हो पाएगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1 एज कम्पेयर टू दिस क्योंकि इसका ये दो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा जो मेटल वाला पार्ट है वो रेशियो वाइज देखें तो जो दूसरे काउंटर पार्ट जो नेगेटिवली चार्ज आया है उससे कम रहेगा तो ये हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। तो दोस्तों बस नहीं सारे डिफेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारे बात क्या करते हैं तो हमने यहाँ पे देखो इम्परफेक्शंस इंसॉलिड कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है तो हमें पता है कि कुछ हमारे मेटल सारे ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं
बट मैंने बताया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डायमंड, डायमंड क्या है, इंसुलेटर है। तो इन्हीं सब की बात करते हैं कि हमारे सॉलिड्स कैसे कैसे होते हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो दोस्तों तीन तरह के हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला होता है कंडक्टिविटी, या फिर जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। दूसरे कौन से होते हैं, वो होते हैं इंसुलेटर, जो कभी कंडक्ट करेंगे नहीं, जिनकी कंडक्टिविटी जीरो है, तो वो हुए कंडक्टर। तो हमारे पास इंसुलेटर हुए, हमारे पास हुए कंडक्टर्स। और तीसरे होते हैं हमारे पास सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं बट उनके कुछ ना कुछ कंडीशन है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए नेसेसरी क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयनाइजेशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बोला Fe, फॉर एग्जांपल 3+ मान लो, मतलब इसने आयन क्या किया है, तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों कहां पे होते हैं, ये होते हैं हमारे वैलेंस शेल में, राइट। सबको पता है कि बाहर वाले होते हैं वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको वैलेंस शेल किया, वैलेंस बैंड बोल दिया। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके। उसके अलावा अगर ये कंपाउंड को या फिर ये एलिमेंट को या इस मॉलिक्यूल को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है, सिंपली एक हायर एनर्जी का बैंड है। तो ये क्या हमारा कंडक्शन बैंड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ सकते हैं दोस्तों तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो मेटल्स के केस में या फिर कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, मतलब हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप कर रहे हैं तो दोस्तों इनको कोई भी अब एडिशनल एनर्जी की जरूरत नहीं है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने में। तो इसका मतलब ये कंडक्टर है, बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया फिर कंडक्टर की बात। अगर हम दोस्तों बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर में क्या होता है, ये हमारा फिर से वही मानते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो कभी भी ये इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दे दो, ये कभी भी कंडक्शन बैंड तक नहीं आएंगे। जब कभी भी कंडक्शन बैंड तक नहीं आएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, विच मीन्स ये हो गए इंसुलेटर। अब दोस्तों हमारे सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो बेसिकली अगर कभी भी इसको थोड़ी भी एनर्जी मिली, थोड़ा सा भी हीट मिल गया या टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो ये होगा हमारे सेमी कंडक्टर। अब एग्जाम्पल देखिए, तो कंडक्टर के एग्जाम्पल हो गए सारे के सारे मेटल, आयरन, सिल्वर, निकल, जिंक। उसके अलावा नॉन मेटल सॉरी इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो गया अपना डायमंड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट, फॉर एग्जांपल सिलिकन और जर्मेनियम। और ये दोनों आज के दोस्तों टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे सेलफोन्स हैं या फिर जितने भी स्क्रीन्स हैं बेसिकली उनमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जितने भी पीसीज हैं सब में डायोड के फॉर्म में, तो ये वो सब उनका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे वो उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने यूज के लिए, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये तो हमने बात करी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का, बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में होता क्या, तो ये हमें पता है जब भी कभी किसी चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो अब एक एलिमेंट के पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आती है, तो दोस्तों हमें ये पता है कि एक हमारे पास एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के ऐसे रोटेट करते हैं, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल हो गया, ये रिवॉल्व कर रहा है जब इधर से इधर, तो क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। सिमिलरली क्या करते हैं दोस्तों, वो तो अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रोटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे अर्थ की जैसे हुआ, जैसे अर्थ रोटेट करती है तो डे और नाइट हो जाता है, रिवॉल्व करती है तो हमारे ईयर और वेदर चेंज हो जाता है, वैसे ही है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये खुद से आपका रोटेट कर रहा है तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और जब ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो जब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है हमारे सॉलिड्स की, वो उसको हमने बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सबको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। दोस्तों पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पेयर में नहीं आएंगे। इसके एग्जांपल दोस्तों हमारे क्या है, O2, उसके अलावा हमारा हो गया कॉपर डबल पॉजिटिव एंड और भी कुछ सही सारे एग्जांपल है। अब आप सोचोगे कि O2 में तो कितना, एक ऑक्सीजन में 8 होते, 2 ऑक्सीजन में 16 हो गए, 16 को अभी अगर करोगे भी तो सब तो पेयर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 11th में आप जाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खोलो चैप्टर 4 की, और वहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम देखो जो कुछ इस तरह के बने होते थे, अगर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो। और उसमें जब आप जाके ऑक्सीजन देखोगे तो जो O2 मॉलिक्यूल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से आ रहे होंगे अनपेयर्ड फॉर्म में। तो इसलिए हमारा जो O2 है वो है पैरामैग्नेटिक। अब दोस्तों पैरामैग्नेटिक की बात क्या होती है कि ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट से,
इनको क्या करते हैं, जो मैग्नेट है वो बहुत वीकली अट्रैक्ट करती है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ओके। और ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगी, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। दोस्तों दूसरे कौन से होते हैं हमारे डायमैग्नेटिक, ये जैसे उसके अपोजिट होते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा इसमें जो कोई भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये रिपेल करेंगे, और ये बहुत ही पहले तो मैग्नेटाइज होंगे ही नहीं ऑलमोस्ट, और हो भी जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, वरना हमेशा ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे। उसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है, NaCl, ओके, या फिर वाटर, वाटर भी एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। तो हमने पहले बात क्या पढ़ी, पैरामैग्नेटिक, 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 फिर डायमैग्नेटिक, अब तीसरा जो है वो है हमारा दोस्तों फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या है, ये है ऐसे एलिमेंट जो कि ट्रूली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसका पहले इसमें क्या करता है दोस्तों कि जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो जब भी कभी इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है एकदम से ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम तक के लिए रिटेन कर पाते हैं। जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स है, उनमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल आप लिख लो आयरन, और जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन्स, तो ये हो गए फेरोमैग्नेटिक। अब इनके उल्टे दोस्तों क्या होते हैं, बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारे डोमेन्स है ये एंटी पैरेलल आयन होते हैं, मतलब एक अगर ऐसा है स्पिन तो दूसरे का ऐसा होगा, तीसरे का ऐसा है तो चौथे का उसके अपोजिट। तो बेसिकली ये क्या होगा, सबका इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कुछ भी आपका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेंगे, और इनका एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड, MnO। तो हमें कितने पढ़िए, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और पांचवा है हमारा दोस्तों फेरी मैग्नेटिक, फेरी FeRR है, फेरी मैग्नेटिक। तो दोस्तों जो फेरी मैग्नेटिक है उनका क्या है, वो क्या करते हैं कि इनमें जो डोमेन्स हैं वो एंटी पैरेलल तो होते हैं, बट नंबर उनका इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर दो ऐसे हैं तो एक ऐसा होगा, तो अगर मान लो एक कैंसिल भी हो गया तो भी उसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचेगी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, और अगर आप इनको हीट कर दो तो ये पैरामैग्नेटिक की जैसे बन जाते हैं, ओके। तो जो फेरी मैग्नेटिक है वो कैसा बन गया हमारा, पैरामैग्नेटिक हीट करने के बाद, अदरवाइज ये क्या करेगा कि थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा और मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, वो वीकली मैग्नेटाइज होगा। इसका एग्जांपल जो है हमारी वो है आयरन की ओर मैग्नेटाइट Fe3O4। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सारी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात खत्म, तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है दोस्तों कंप्लीट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जिन लोगों की समझ में चैप्टर वन नहीं आया, सॉलिड सेट समझ में नहीं आया, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो भी अपने एग्जाम्स को अच्छे से करें। साथ साथ दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो या आपके कुछ और भी क्वेश्चन है और चैप्टर से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आपके कुछ और सजेशन है मेरे लिए या मेरे वीडियो से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई करूँ। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं हर चैप्टर वाइज वीडियोस बनाऊं और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड करूं और इसी तरह के वीडियोस आगे भी बनाऊं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप कि मेरा ये वीडियो देखा, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, आगे भी आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू, एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।